ये जो एथलीट है इसकी इंजरीज जो है वो सर एक हॉर्न टूटा है, एक हॉर्न ढीला है और देखिए ना थोड़ा सा सामने वाले पैर में घुटने की तरफ में स्क्रैच है, देखिए ना एक हो जाएगा यार ये सर अभी और कहीं उसको फिट करना पॉसिबल नहीं है। अकेला का जो ट्यूमर सर्जरी हुआ था वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है, उसको आज रिलीज करना पर चेक करवा लिया था ना पूरा ठीक हो गया, ये बहुत डरप हो गई यार, ये बहुत सुंदर है ना स्वीटी। हाँ, तो इसके दोनों पैर फ्रैक्चर थे ना, बहुत सीवियर इंजरी थी जब ये आई थी, लेकिन फ्रैक्चर सेल्फ हील हुए हैं सप्लीमेंट के साथ और केज रेस्ट के साथ, और इतना सा वुंड रह गया जिसमें सिर्फ ऑइंटमेंट लगानी है और कोई बहुत सेंसिटिव भी नहीं है पोर्शन, थोड़ा सा हार्ड ले आ चुका है, वहाँ केयर टेकर रख लेंगे ध्यान। ये ताशी का बैलेंस आगे ले जाता था, आगे आता था, बीच में थोड़े दिन के बाद सीखा इसने ताशी ताशी अच्छा, नहीं अच्छा मैंने कल चेक नहीं किया, मैंने एक दिन कुछ भी चेक नहीं किया कल फोन पे, मैंने परसों भेजा था नहीं नहीं आई एम किडिंग, हां क्योंकि देखा है जाम तक। शॉर्टकट के अलावा जो एक और केस अपनी समझ से बाहर है वो ये ताशी है, अगर हर एक घंटे में एटलीस्ट कोई उसको खड़ा कर देता है तो ये 15 मिनट भी खड़ा हो रहा है दिन में, 15-15 मिनट हर एक गैप में, तो थोड़ा सिस्टम तो स्टेबल रहेगा अंदर से। शांत लग रहा है आज सब, सब धूप सेक रहे हैं, वहाँ वाले कैनल्स बहुत ही हमारे सही, जो ओरिएंटेशन वगैरह जैसे हमने प्लान करी थी सब में धूप आ रही है। तो जब हमने पीपल फार्म में क्लिनिक शुरू किया था ना तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, पर हमें ये पता था हमें जानवरों की मदद करनी है, तो जो भी वहाँ पे चीज़ें बनी सारी ऑर्गेनिकली डेवलप हुई, जिस दौरान हमने बड़ी सारी गलतियाँ भी करी, तो इस अस्पताल में हमारी कोशिश है कि हम वो सारी गलतियाँ सुधारें, जैसे कैनल्स में पूरी धूप आ रही है, हमारी फ्लोरिंग बेहतर है, हमारी ड्रेनेज बेहतर है, हमारी लाइटिंग बेहतर है। अब जब हम ये अस्पताल चलाएंगे तब भी आई एम श्योर हम बहुत सी गलतियां करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब आप आएँ तो हमारी गलतियों से सीखें, क्योंकि प्रोग्रेस तभी होती है जब हम नई गलतियां करते हैं बजाय कि हम पुरानी को दोहराते रहें। जब इस पे आया था ना बहुत ही ज़्यादा पतला था, तो हमने भी अच्छे से इसका डाइट मेंटेन किया है, 6 महीना हो गया इसको आए हमारे पास में, और वही राधे ने बताया होगा ना अगर आप इसके बरोबरी में बैठोगे ना तो ये चढ़ेगा और हावी हो जाएगा। फिर क्या देखिए ऐसे करते हैं कुछ लोग क्या करेंगे कि वो डर जाएंगे ना कि ये तो हमें डर काटने को आ रहा है, तो ऐसा होता है, हमें तो पता है कि वो नहीं कर रहा है, नहीं है ऐसे ही ये देखो, लेकिन आज तक इसने कभी किसी पर अटैक नहीं किया ना, जोर से भौंका भी नहीं होगा, तो सुसु आती तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि लेके चलो मुझे जा रहा तू है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट इनके घर का वीडियो वगैरह देखा है, सब कुछ ओके है, बाउंड्री वॉल है, सब कुछ ठीक है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ये डायरेक्टली बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो घर के टेरेस पे ही रखेंगे डॉग को, है ना, जो काफ़ी स्पेशियस है, ओपन रहेगा डॉग एंड मोस्टली टेरेस पे रहेगा। हाँ शाम को अंदर जाएंगे, हाँ शाम को रात में अंदर ही रहेगा डॉग, ये कन्फर्म किया। हाँ मतलब यहाँ पे तो रहेगा तो आज नहीं तो कल कुछ कैच करेगा, ठीक। हाँ अभी चलना है ना, हाँ तुम लोग साथ ही जाना, शूट ही कर लो। फाइनली इसको घर मिल गया। गौरव भाई आपका तो फेवरेट था, आपको कैसे लग रहा है? अब मैं दूसरा कोई डॉग कोई देखता हूँ कोई के अंदर बांधना पड़ेगा। नहीं नहीं बैठ जाएगा, ये बैठ जा, बाय बॉस। वीकनेस कब होता है? सुबह सुबह अंदर ही था ना, लेकिन अंदर ही था सर ये कल तक, तो फिर भी थोड़ा बहुत इसने खाया था। अटैक आया होगा या स्लो इज इट ब्रीदिंग स्लो के सर? टिक का जो पैरासाइट होता है ये ब्लड के अंदर काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, सिंपल भाषा में बोले तो खून का पानी हो जाता है, जिसकी वजह से हर्ट के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, जिसको हम हार्ट अटैक वगैरह जो बोलते हैं। और आज पालमपुर, आज पालमपुर हमने भेजे हैं भाई, तो शॉर्टकट को भेजा जो बैल है हमारा, शॉर्टकट तो वही है ना जिसका फ्रैक्चर, हाइंड लेग फ्रैक्चर है जो रिपेयर नहीं हो सकता वापस से, जस्ट इन केस कुछ उनके मेडिकल सॉल्यूशन हो तो ठीक है। और उसके अलावा हमें ग्रास हॉपर पपी विद आई इंजरी एंड जॉ फ्रैक्चर, तो उसका एक्सरे कराना है जॉ का उसकी, और उसके अलावा एक गई है पपी ट्यूमर के लिए, ठीक है। अभी तो अभी मंजूर को रिलीज करने के लिए बात हो गया है, ये हो जाएगा पूरा, हाँ सर मतलब एकदम पूरी कवरिंग नहीं आई है, हल्दी लगा के छोड़ेंगे ना ये परेशान भी नहीं करता बैल, और अब मक्खी बैठने का कोई चांस नहीं है, तो भी सर्दी है। हाँ पानी नहीं हो रहा, कहाँ है? हाँ भाई कॉन्ग्रेट्स अभी मम्मी जी।
ये मुंह अभी भी पूरा नहीं खोल रहा, लेकिन अपना मुझे पता नहीं इसकी थोड़ी सी सर बहुत लंबा समय वो वैसे रहा है ना, तो मतलब मुझे वही है कि उसकी आदत है, दो तीन वो है ना, या स्किन खिंच रही है या आदत है या मसल्स वीक ना हो, बाकी तो ठीक है। मैंने सुना ये एथलीट ने सुबह फिर करतब दिखाए हैं, कुंडे तोड़े हैं इसने, रस्सियां तो तीन नहीं तोड़ चुका है, सुबह भी इसने एक रस्सी तोड़ रखी थी ऑलरेडी मूर्ख, और उसके अलावा इसने कुंडे भी तोड़ दिए, और ये दौड़ा ना, और साहिल इसके आगे आगे था। ये बदतमीज़ तो इसका बिल आप डेयरी उद्योग को भेज देना, उन्हीं का बाय प्रोडक्ट है भाई। अगर लोग कहते हैं कि आप कुत्तों को खाना दे रहे हो हैं, और तो वो कुत्ते आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो काटते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, तो अगर आपने बैल छोड़ा है, हम उसकी मदद कर रहे हैं और वो इतनी डैमेज कॉज कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, और ये ताशी तो अच्छा, मतलब साहिल सपोर्ट देता है पीछे से, लेकिन ये अच्छा दौड़ के आती है ना, आता है बेटर है पहले से। सर्जरी तो कोई नहीं है आज? एक है सर, लास्ट पे है। अच्छा कहाँ पे है? बाहर है। बाहर नहीं देना, हाँ, खाना नहीं, नहीं खाना नहीं देना, मिल तो सकते हैं ना। हाँ। एक्चुअली उससे मिलने से पहले मैं इससे मिलना चाहूंगा, कड़क नाथ इसका नाम, उन्होंने श्वेता सजेस्ट किया है। अच्छा उन्होंने लिख भी दिया है फॉर्म में। अच्छा हाँ। ये ले भाई चूचू, इससे दोस्ती हुई है इनकी ये बहुत अच्छे से, इतना भी और चूचू का फाइनली हम लोगों से ध्यान हटा है ना, उतना डर नहीं लगता उधर जाने में। श्वेता अरे 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 आ गया, आ गई आ गई। अच्छा इसकी है? हाँ जी, ये श्रुति इंडिविजुअल रेस्क्यूअर है। हाँ। उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, तो पकड़ा हमने, सर्जरी होगी, वापस रिलीज वहीं पे करेंगे, वो पोस्ट ऑफ केयर खुद करेंगे, बॉस वापस आ रहा है ना शाम तक। मुझे तो नहीं पता, आस पास के लोगों ने कर रहा था, बहुत ही ज्यादा डरा दिया ना, कहते दिल्ली में अटैक कर दिया, मैंने कहा ये तो भोंक भी नहीं रहा, तो कहते ये इसने नहीं तंग किया ना सर, मुझे बस ये जानना है बेसिकली, आप छोड़ रहे हो, मैं समझ रही हूँ पूरा, इसने नहीं किया, बिल्कुल तंग नहीं किया, गाड़ी में आराम से आया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रात को रूम में रखा मैंने, पूरी रात आराम से सोया रहा, तो मैं लेके गया वॉक में लेके गया, और कितने बजे लेके गया, 8:30 बजे लेके गया मैं इसको, उस समय मार्केट भी सारी खुल गई थी, फिर भी इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। ये अडॉप्टेबल है, किसी के घर जा सकता है, बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट वैसा चाहिए इसको, और लोग ऐसे चाहिए थोड़े से कॉन्फिडेंट, जो आगे आके इसके लिए बोल सके, ठीक है। एनीवे ओके, अच्छा उसको यहाँ ले आए उन्होंने, ठीक है, तब वो कैनल खाली था, उसमें रेस्क्यू नहीं था, नहीं ओके ओके ठीक ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये इतना मासूम सा डॉग है, मतलब और डॉग से इसकी बहसबाजी हो सकती है, पर इंसानों को तो इसने कभी कुछ कहा नहीं। श्रीश ने इसको फॉस्टर किया था, उसके आदमी फ्रेंडली था, इनफैक्ट जब हमने इसको पकड़ा था खुद केज में आ गया था, बाहर है गुरु बताया गया, ज्योति नहीं, हाँ रॉबिन बाहर है या क्लिनिक एरिया में? बाहर ही बताया, अपनी गाय है। अच्छा आपकी अपनी गाय है? अपनी नहीं है ना सर, खड़ी नहीं हुई सर, ये 3-4-5 दिन, फिर हम ये नहीं ले सकते गाय ना, हमारी पॉलिसी है हम बैठी हुई गाय नहीं लेते, अगर कोई गाय ज्यादा समय बैठी रहेगी, ये 2 दिन से ऊपर बैठ गई, उसके बाद वो खड़ी होती हुई मैंने तो देखी नहीं, 8 साल से हम ये जगह चला रहे हैं, ठीक है, फिर जब खत्म हो जाती है तो उसका कोई दाह संस्कार का भी प्रावधान है नहीं। पालमपुर जो वेटनरी अस्पताल है, अगर वो बचा सकते हैं तो बचा पाएंगे, उनके पास सारी फैसिलिटी है, उनके पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, खूब बड़े सर्जन है, देख के, एक बार देख के बता दो, इतनी बड़ी गाय कहाँ उठती है, इसका वजन ज्यादा, वजन ज्यादा, ये तो अभी एकदम प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज पे, घर वाले थे बच्चे उच्चे घर में, तो बताते हैं कि इनको बस डिलीवरी होने वाली है इसकी, मतलब ऐसा वो कह रहे थे। तो घर में थी आपके? नहीं नहीं, वहीं पे इनके घर के साथ में ही, इनका घर है ना ऐसे रोड के साथ में, तो आवारा पशु बैठ जाते हैं उधर, दुकान बनाई इन्होंने, पिछले हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है, यही मुझे लग रहा है कि जैसे सेम कॉन्वर्सेशन में रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं वो लेके आए थे, वो कहते हैं घास ले आऊंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं कह रहा था की बात कर रहे हैं, हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ आप रख लो डिलीवरी करवा दो, कहाँ डिलीवरी होगी और कहाँ बच्चा पैदा होगा इसका, नहीं हो पाएगा ना, हमारे दोनों डॉक्टर्स अभी सर्जरी में हैं, वो बता देते हैं आके, ठीक है यार। अब मैं नहीं कहना चाहता ना ये कि कोई एक तो अपनी तरफ से धर्म का काम कर रहा हो, मैं कह दूं कि वो अपनी गाय ले आए हैं, है ना, तो ये तो नहीं कह सकते दावे से, पर जैसी इसकी हालत है, मतलब ये गाय बच ही नहीं सकती ना, मतलब वो इतनी बड़ी गाय है, वो उठ नहीं पा रही,
और जब ये भारी पशु है बैठा रह जाता है तो उसका डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है, और जितना वो बैठा है उतना उसके हाथ पैर सर्कुलेशन कम होने की वजह से और कमज़ोर हो जाते हैं। मॉर्निंग बकरे जी, बाहर रखो आप। मुझे बता दो वो प्रेग्नेंट गाय तो नहीं है ना यहाँ पे, वो जो कल आई थी? नहीं सर, मैंने भेज दिया था उनको, आज प्रॉपर चेकअप हो गया था, डॉक्टर ने बता दिया था कि पीछे की दोनों टांगों में फ्रैक्चर है, एक पैर में तो बहुत सूजन थी। इसके लिए जो बेटर है कि आप इसको अगर शार्पू की बजाय भी आप पानी से ले जाएं तो बेटर है। उन्हीं की अपनी थी जाए? हाँ जी सर, अपनी थी। मान गए क्या? नहीं माने नहीं, लेकिन बाद में मेरी संजय जी से डिस्कशन हुई थी, उन्होंने बताया कि ड्राइवर से पहले ही उनकी बात हो गई थी, है ना, कि ये तो शाहपुर दिखाने लाए थे, फिर यहाँ पर किसी से बात हुई इनकी फ़ोन पे, है ना, तो फिर उन्होंने यहाँ आके ऐसे सब बोला। अच्छा मुझे उसका बताओ, सरगम का जो है वो वॉट्स वाला इशू हुआ है? ठीक तो चल रहा है, ठीक, हमने नहीं हो रहा था उससे थूजा ऑइंटमेंट से रिकवरी, तो हमने फिर ऑटोमेन थेरेपी है उस पर शिफ्ट कर दिया ना। ये कंटेजियस होता है? हाँ बहुत ज़्यादा, तब तो पीछे किसी ना किसी को चलता ही रहता है, सबसे पहले हमारे विपिन को ही हुआ था जो यहाँ पे हुआ था। कोई रेस्क्यू तो नहीं आया? और रेस्क्यू आया नहीं है सर, लेकिन हमें जाना है रेस्क्यू के लिए ना, जिसके लिए कल हमने बात की थी कि गाड़ी नहीं है तो आज भेजेंगे करके। चल बच्चा ट्रेन में भेजना, चल। क्या हुआ था? पता नहीं अरे क्या हो गया, बीमारी जो चली थी ना उसके बाद ऐसे हो गया ये। प्रीति को हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है ना। चल जा। मेन वाले ग्राउंड में, वो बाहर ही रह रही क्योंकि एथलीट अभी फिर वही कुंडे तोड़ दिए कल उसने, अग्रेसिव हो रहा है तो कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए। ठीक है, पर वो रात को ठीक रही है ना, बाहर तो कुछ ठीक रही, ठीक रहने, ऐसा नहीं कि भोला बाहर भागना चाहता था, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब स्मूथ सब स्मूथ था, अभी तक ही सब सही है। और कल पालमपुर विजिट हो गया ना डॉग्स का, तीनों दो डॉग्स और एक बैल, तो जो हमारा शॉर्टकट है उसके लिए उन्होंने कल वहाँ का जो बोन है उसके बीच में मांस बनने लग गया था ना, हीलिंग मतलब वो तो मतलब बॉडी अपना काम बीच में बन रहा था, तो दैट इज तो गलत है ना। हाँ लेकिन अपने उसको उन्होंने क्लियर कर दिया, बोन को थोड़ा सा कट किया है, और उसके बाद अभी एंटीबायोटिक कोर्स हफ्ते भर का बोला है, उन्होंने बोला कि एक बार रीचेक होगा, अगर हफ्ते भर में रिकवरी होती है तब तो फिर भी चांस है। उसके अलावा पफी गई थी, पफी का सारे टेस्ट हो गए हैं, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना, उनको कुछ मेटलिक ऑब्जेक्ट भी मिला, पफी को मिल ही लेना जी। सॉरी ये देखना, ये देखना वही डॉक्टर लगा यहाँ ज्यादा, चल 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 बदतमीज पफी, इसका मुंह भी ऐसा ही है पफी। ओके क्या इसका क्या कहा उन्होंने? इसका जब एक्सरे हुआ तो उसमें कुछ मेटलिक ऑब्जेक्ट तो दिखा हमको है ना, लेकिन उसके अलावा मेरी ज्यादा क्लियर बात नहीं हुई है डॉक्टर से, और बाकी सारे टेस्ट हो गए हैं ट्यूमर के रिगार्डिंग। मेटालिक ऑब्जेक्ट क्या है ट्यूमर में? मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक बार रिपोर्ट्स आ जाए पूरी। छोटा अभी हमारा ग्रास हॉपर गया था तो उसकी सर जो जॉ है वो उसमें काफी मल्टीपल फ्रैक्चर कहाँ है कहाँ मिल सकते हैं बाहर है। तो जैसे हमने पहले सोचा था कि आई की सर्जरी हम यहाँ कर लेंगे और जॉ फिक्स करेंगे जैसे पहले होता था, बट जॉ के लिए भी यहाँ पर इसको फिक्सिंग सर्जरी लगेगी और आई का रिमूविंग सर्जरी होगा, तो मेरे हिसाब से तो हम डबल एनेस्थीसिया ना दे पपी को, बार बार वो स्ट्रेस से ना गुजरे, इसलिए एक बार में वहाँ पर ही हो जाए। और एक बॉस कैसे एडजस्ट कर रहा है कल जब वो वापस आया है? बॉस कल तो बहुत रेस्टलेस हो गया था उनके जाते, गेट स्क्रैच कर रहा था बहुत देर, वो रोए जैसे आवाज किया उसने और बहुत स्ट्रेस में था कल तो। फिर रात में मैंने उसको ही बाहर रखवाया क्योंकि वो जब हम शाम को पालमपुर वाले डॉग्स अंदर करने आए तब भी वो रो रहा था ना, तो फिर मैं श्रीश से पूछता हूँ जो उसको फॉस्टर कर रहा था पहले यहाँ पे, क्या पता
हालांकि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई ना, उन्होंने बताया कि डॉग बहुत अच्छे से बस लोगों के पड़ोसियों के उसकी वजह से जी। इसकी गुद किसने बना दी? आपने? डॉक्टर कौन से? डॉक्टर हिमांशु ने बनाई है ये? डॉक्टर हिमांशु डॉक्टर कृष्ण दोनों। खैर ये थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है ना सर, अभी ट्रीटमेंट भी नहीं कराता आराम से, पैर भी मारता है ना, और ये देखो काटने की भी कोशिश करता है। सैंक्चुअरी छोड़ दो, बड़ी की बड़ी और ग्रास ऊपर दोनों के लिए एक ही दिन में हम डेट ले लेंगे। ठीक है ठीक है, जल्दी से हो जाए। बड़ी 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 बात है कैसे प्रॉपर। देखो डार्क नाइट में रोल मिल सकता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एकदम बढ़िया से बड़ी शक्ल देख लो प्रेत। अरे यार ओ, आप यहीं पे हो? ओके ठीक है। एक तो तुम्हारी ये सिक्योरिटी जो है ना खतरनाक है। ओके मुझे ये बताओ, कल तो काफी कुछ हुआ, दो रिलीज हुए। हाँ सर, एक तो भेड़ को रिलीज किया जो नगरोटा से हमने रेस्क्यू की थी, ओल्ड डॉग। नहीं नहीं तो उसका क्या, वुंड छोटा ही था लेकिन एज फैक्टर की वजह से हीलिंग में काफी टाइम लग रहा था। डॉग बहुत स्ट्रेस में भी आ रही थी, बहुत रोती भी थी, बट अभी उसकी हीलिंग फाइनली हो गई पूरी और हमने उसको रिलीज कर दिया वापस उसके। दो चीजें थी, एक तो नया आइडिया, एक पहले तो ये जो हमारी बात हुई थी कि रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पे हम लिख के भेजेंगे कि भाई ये एनिमल यहाँ पे रेस्क्यू है, वो जी, सब जी सब कुछ हील दैट पीपल फ्रॉम विद कॉन्टैक्ट नंबर, हमने सारा कुछ किया। हमें कमेंट्स में ना किसी बच्चे ने कहा था कि भाई आप जब एनिमल छोड़ रहे हो रिफ्लेक्टिव कॉलर आप लगा रहे हो उस पर लिख दो कि ये यहाँ पे हील हुआ है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कि भगवान ना करे उसको दोबारा चोट लग जाए और किसी को वो दिखता है तो उनको पता है कि किसको संपर्क कर सकते हैं। और ये जो बैल है ये कल के तीन रेस्क्यूज में से एक है, इस तरफ वाला जी। हाँ ये तो इसको कौन नहीं पहचानता, ये काफी शांत है, ये तो ये सैंक्चुरी से यहाँ पे आया है। नहीं सर ये नहीं है, ये तोतो नहीं है, ये नया बैल है। तो टोटो अभी सैंक्चुरी में ही है? हाँ, अभी संजय जी जाने वाले हैं तोतो को लेके आने और चेतक को वापस वहाँ छोड़ने। तो इसका भी सिमिलर इंजरी है? हाँ सर। चाची चेक करेगा मेरे, अबे ये लोग एक्टिवेट हो गए बिल्कुल। मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं खेल रहे हैं, गाड़ी में जाएंगे हम, चल जैसे आए थे याद है, चलो। और एक डॉग आया कल? हाँ सर एक डॉग आया है, वो कहाँ है? काफी ज्यादा बूढ़ा है, इस तरफ है ये चैनल में। अच्छा तो कल वो बूढ़ी डॉग गई है उसकी जगह, बूढ़ा डॉग आया है। हुआ क्या है? कीड़े पड़ गए इसके प्यार में, डॉक्टर आए थे ना पहले वो देख के। कहाँ पड़े इसके कीड़े? वो जो पाँव में? हाँ जी। अच्छा चलो दिख ही नहीं रहा, इस तरफ बैठा है क्या? अच्छा बड़ी Not, ये बड़ी आ गया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि जो नेल्स है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसकी वजह से घाव हुआ, पोडोडर्मेटाइटिस की वजह से पंजों में नमी। पोडोडर्मेटाइटिस क्या होता है? सर ये स्किन कंडीशन ही है एक तरीके की ना, नमी बनने लगती है बहुत ज्यादा, उसके बाद इन्फेक्शन होने लगते हैं क्योंकि खुजली भी करते हैं ये साथ में है ना, और इसके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका है, एक आंख में कैटरैक्ट भी है इसको और बहुत वीक डॉग है। हमारे पास कैटरैक्ट की सुंदर वाली दवाई पड़ी है ना, तो वो हम ट्राई करेंगे। शुरू कर दिया। हमारे को जैसे मेडिकल कंडीशंस होती हैं एनिमल्स को भी, बिना एक्सीडेंट बिना ह्यूमन क्रुएलिटी के भी इतनी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, तो हमारे को उनके प्रति थोड़ा और एक्स्ट्रा दयावान होना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे अस्पताल भी नहीं जा सकते, चले भी जाएँ तो किसी को बता नहीं सकते ना कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वेयर एज हम कहते हैं ये बोल नहीं सकते इनको और दबा दो, ज्योति ऐसा नहीं करती। खैर सॉरी, ओह क्यूट, दोनों बॉन्डिंग मोमेंट है। अच्छा वो पपी आया है? सर पपी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, अराउंड 5 to 6 मंथ का होगा। मैं आपको बिग और स्मॉल वी लव देम। हड्डी थी ना इसकी पहले बाहर निकली हुई थी, अब तो अंदर हो गई इसकी थोड़ी, अपना भी हुई है। हाँ जी
ये जहाँ पे यहाँ इन्फेक्शन ज्यादा था पहले अब कम है। हाँ, अब कम है। ज्यादा था ना, पहले टांग हवा में रहती थी ना, तो नीचे लगा दिया। ये छोटी लड़की के दांत होते खराब। उसको हुआ क्या है सर? इसको जब हमें फर्स्ट टाइम इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था, तब इसकी इंजरी थोड़ी ज्यादा थी ना, इसका बोन निकला हुआ था, बोन दिख रहा था, फ्रैक्चर में विजिबल था, है ना। लेकिन अभी जैसे भिंडी के केस में हुआ था, आया था, भिंडी ने खुद लिख कर करके वो बोन क्लियर कर ली थी वहां से ना, वो बोन जो बाहर हिस्सा निकला हुआ था वो झड़ गया था ना। तो तुम तो मेरी मदद करोगे नहीं? हां, कि तुम लोग तो मेरी मदद करोगे नहीं बच्चे? ये बीप कर रहा है, फटेगा क्या? नहीं नहीं, ये अभी सर टेस्ट कर रहे हैं ना, ब्लड टेस्ट नया। अच्छा, बेटू 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 इसने लिख कर करके इन्फेक्शन प्रिवेंट कर लिया। हाँ। और हील हो गया इसका। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई जानवर दिखे हड्डी बाहर निकली हुई है तो खुद हील हो जाएगा, ये तो बाय चांस कुदरत का करिश्मा वाला मामला है। Nice. हाँ, लेकिन हमने इसे यहाँ शिफ्ट कर लिया क्योंकि जो थोड़ा बहुत वुंड बचा है वो हम क्लियर कर लें और साथ ही में इसकी स्पेस सर्जरी भी हो जाएगी और हल्का ब्लड इन्फेक्शन है चेकअप के दौरान पता चला तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये कटखनी है क्या थोड़ी? इसकी टीथ निकली हुई देखो इधर साइड से। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो वह स्नैगर टूथ। स्नैगर टूथ मेरे स्पॉट का भी ऐसा ही है। हमारे तो देखो कितने दांत है भैया। चाहे सुनेगा साहिल का कल हैप्पी बर्थडे था इसने ये बताया नहीं ना, इसने मुझे कुछ खिलाया पर मैंने इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया। आज खिलाऊंगा, आज तो मेरी छुट्टी होती है तो बाई चांस में यार कल वो चले गए थे ना उसके। हाँ जरूर ठीक है। बताओ टिंडा का, हाँ कुछ तो गुड न्यूज दो। क्या हुआ टिंडा? टिंडा अगर चली गई, टिंडा बटिंडा किधर चले गए? बटिंडा कि टिंडा गई बटिंडा। बहुत अच्छी फैमिली मिली है उसको। टिंडा घर जाएंगे बेटो, घर जाएंगे। रुक जा, मैं लेके चल रही, मैं लेके चल रही। हाय, ये वैसे बड़ी शांत है, वैसे बड़ी डरी सी लग रही है। जिस दिन हम आए थे उस दिन बारिश हो रही थी, फिर रिमेम्बर, तो हम जब टूर ले रहे थे ना तो जब कैनल्स के पास पहुँचे, बाकी सब जैसे भिंडी और बाकी सब तो मूली सब चल रहे चल रहे, और ये ऊपर आई बेंच पे चढ़े एंड शी जस्ट स्टेयरिंग एट हिम, इतने दम हिला रही है, प्यार से देख रही है। और वहीं पे मुझे बोलता है मुझे ये लेके जाना है, मुझे यही लेके जाना है। हमने एज क्यों पूछी थी? बिकॉज ही वॉज वेरी कीन ऑन खिला पिला के ना सिर्फ फर बेबी को सा कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, तो पूछो उसकी एज क्या? मैंने बोला एक साल से तो शायद कम है, अभी तो ग्रो होने का बहुत। अभी तो बोला अभी तो बहुत टकटा कर दूंगा मैं इसको, कोई नक्शे नहीं है मैम की ना, इसको सब चलता है खाने को। जो गोदी आ जाओ, गोदी बाय कर दो सबको, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। खुश हुए थे अडॉप्शन के रिगार्डिंग, वो मिठाइयाँ लेके आए थे सबके लिए और सब सारे एनिमल्स के लिए ट्रीट्स लेके आए, गाजर लेके आए, बहुत सारा और बहुत कुछ लेके आए। टिंडा तो आपसे पहले से यहाँ पे है ना? नहीं सर, टिंडा तो लास्ट ईयर इसी साल फरवरी में आई थी, तीन से चार महीने की ऑलरेडी थी, हाइंड लेग इंजरी था, उसका पिनिंग सर्जरी भी हुआ था और फीमेल थी इसलिए उसको इतना टाइम लग गया अडॉप्शन में। वेल आई होप कि और लोग इंस्पायर हों और देसी डॉग्स को अडॉप्ट करें। अब तो सरकार भी कह रही है जगह जगह कि भाई देसी डॉग अडॉप्ट करो। दिल्ली में उन्होंने कहा है कि सड़क से सारे डॉग्स हटाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, लोगों के घरों तक ही पहुँचाएंगे, तो होंगे अब डॉग्स अडॉप्ट। तो अगर आपको यू नो डॉग्स दिल्ली में कम पड़ रहे हो तो आप हमारे यहाँ से ऑलवेज आप हमारे यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। इन लोगों की एक वैक्सीनेशन हो चुकी है, है ना, फर्स्ट शॉट हो चुका है, लेकिन जब तक बूस्टर नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन का वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक। मैं तो वैक्सीनेशन की क्वालिटी पे ही डाउट कर रहा हूँ कि जब तक हमारे पास आ रही है जहाँ पे रखी है, क्या वहाँ पे जब लाइट चली जाती है तो वो कोई जनरेटर सोना चला रहे हैं? कौन देख रहा है? मतलब इंडिया में मेडिसिन में वैसे ही इतनी धांधलेबाजी है कि क्या असल है क्या नकल है, और ये तो ह्यूमन मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन मेडिसिन में नहीं है, तो जानवरों में तो वो पानी डाल के दे रहे हैं, हमें घंटा पता लगता है। मतलब हमारे यहाँ तो और रे क्या बोला तेरे बारे में थोड़ा बोला, जो हमारे पास है भाई
हम उसी के अनुसार काम कर सकते हैं, जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के क्या परेशान। चीज को सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, और नहीं सॉल्व कर सकते तो काहे सोचना उस बारे में। आज हफ्ता शुरू हुआ है हमारा और मेरी सुबह की शुरुआत हुई ज्योति की अर्जेंट कॉल से। हाँ जी, क्या हो गया? एक डेढ़ महीने पहले आया था शायद, और डॉग उस टाइम पे भाग गई थी जब तक हम वहाँ पहुँचे। वायर ट्रैप वाला केस था। वायर ट्रैप केस जो है, तो वो अभी दोबारा उनको मिली, उन्होंने अपने घर की बाउंड्री में उसको अंदर कर लिया है, और उसकी कंडीशन अभी थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे फोटो भेजी ना अभी साहिल ने, उसमें टोटल 8 पपीज हैं सर, लेकिन थोड़ी सी है मतलब जिसमें से 5 मेल पपीज हैं एंड सारे हेल्दी हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारे हेल्दी हैं, छोटे-छोटे एंड दे आर रियली क्यूट। हां, बहुत क्यूट पपीज हैं। कंडीशन बुरी कैसे हो गई? बुरी ऐसे हुई, इसमें खाएगा कुछ भी, खाना नहीं खाता है, फट बार निकाल देगा। आप दूध डाल पिलाएंगे ना? दूध तो वैसे ही नहीं देना चाहिए, दूध जो है कोई भी नहीं पचा सकता अपनी माँ के दूध के अलावा, दूध पचा नहीं सकता, दूध से बीमारियां ही होती है। तो वो तो लेकिन कई जो है ज्यादा लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं बिल्कुल ही, तो इसी वजह से वो उल्टी कर रहा है। 2-3 महीने से यही है जी, लगातार चल रहा है, अब पता नहीं कैसे जी रहा है। नहीं, लेकिन पहला चेकअप हमारे यहाँ ही हो रहा है इसका आज। आपने तब से डॉक्टर को नहीं दिखाया? अभी हम है नहीं ना घर पे, हम तीनों आर्मी में हैं, हम रिलेशन में हैं, कभी कभी छुट्टी आते हैं, मैं कभी कभी आते हैं 10 महीने के बाद। वो लड़का ले आया, इंटरेस्टेड नहीं, छोटा था, अभी वो भी इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, खिलौने के तौर पे ले आया उसको? लड़के को 2-3 बार बोला यार छोड़ दे, हमने बोला नहीं छोड़ना उसको, ये तो बड़ा क्यूट है, आप दूध तो मत ही दो इसको, और क्या देना है। नहीं अब दो ना, जैसे हमारे कुत्ते हैं क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, मूंग की दाल और अरहर की दाल और गाजर, ये सब सब्जी हम मिला के देते हैं। चलो बंद कर देंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में ये पग है, पिटबुल है। ओ सॉरी, इसके कान आपने कटाए? कान फार्म वालों ने काट के दिए थे। हाँ, पहले से सर्जरी करा दी है, लेकिन सर्जरी पहले उन्होंने करवा के दी थी मेरे को। अच्छा, फॉर्मूला नहीं नहीं स्प्रे वाली सर्जरी, ताकि बच्चे ना हो। नहीं मैंने नहीं करवाई, वो करानी जरूरी है, बच्चे लेने हैं इसके। क्यों और लेने हैं? दुनिया मांगती है, आप जैसे नु मांगनी है गिफ्ट कर देंगे तो आप हमारे वाले जो जो पैदा हो रखे हैं अनाथ इतने घूम रहे हैं दुनिया पे, आप उनको अडॉप्ट कराओ ना। अच्छी बड़ी ब्रीड है, दुनिया अच्छी ब्रीड होती है मेरे, हम आपको उससे मिलवाते हैं। आपका देखो कोई आदमी वाला मित्र लेना चाहता है, बुला दो। हाँ, पिटबुल। तो आपका कोई है नहीं मित्र यार जो मेल है? मेल है। हाँ, कितने मंथ का हुआ? प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस बंदे के साथ ही जिसने छोड़ा, उसका दिमाग में फर्क था, उसके छोड़ दिया, मरने की हालत में पहुंच गया था, तो ठीक हो गया। अभी ठीक है, क्रॉसिंग करा दें इसकी अपनी? हमने तो सर्जरी कर दी है इसकी, कर दी है सर्जरी। हाँ जी, अभी नहीं होगा क्रॉसिंग? नहीं काटेगा? नहीं काटेगा, क्यों? डॉक्टर करा दें किसी को? हाँ, कोई तो, वही तो हम चाहते हैं आपसे। जाना चाहता मेरे साथ, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रीडिंग क्यों करानी है। अब देखो, जब सड़क पे लोग कुत्ते छोड़ रहे हैं, जो बेस आ रहा है उसको घर मिले ना। हाँ, ये तो ठीक है, ये हमारी थ्योरी है। ये अच्छा ब्रीड तो अच्छा है। हाँ जी, ये ब्रीड तो अलग बात है, अच्छा बात ये कि कुत्ता ही अच्छा है वो। हाँ, हेल्थी हो गया अभी, ठीक हेल्थी है, उसका नेचर अच्छी है, घुल मिल जाता है। पता नहीं हमें, कोई ब्रीडर ही होगा ऐसे छोड़ दिया रोड पे, सड़क पे ना, वो भी बहुत ही अधमरी हालत में, बिल्कुल स्केलेटन। ये ब्रीडिंग वालों छोड़ा हिस्सा, उसका कहाँ भला होना उसको, नहीं होगा आज की डेट में भला बुरा कौन सोच रहा। फिर हम आज एक और लेके आने वाले हैं। क्यों आज 1+1 ऑफर है? क्योंकि हमने कल, क्योंकि एक डॉग है जिसको ट्यूमर है, काफी सीवियर ट्यूमर है ना, मेल डॉग है, टीबीटी है उसे। कहाँ से? भडियारा। ये वही है ना जो जिसकी मैं उस दिन बात कर रहा था, आपने इतनी दूर का ट्रीट ऑन स्ट्रीट क्यों पकड़ा? आप कह रहे थे बस वीकली इंजेक्शन लगना है। शाबाश, बैठ आई तू, तुम्हारे रास्ते ले।
well soon. अभी इसको भी हमने आइसोलेट किया है सर, सुबह जो कॉफ कर रहा था ना, आंखें भी डिस्चार्ज भी आ रहा, आंखें भी छोटी हो गई, अभी टेस्ट करना है इसका हमें। किसकी बात कर रहे हो? ये ग्रास हॉपर से। इसे के केनल का टाइप हो गया कुछ? अभी टेस्ट करना है, सीधी टेस्ट। आंखें भी बिल्कुल एकदम से फंस गई उसकी आज ही। आज सॉरी पालमपुर से मिला है, इसकी डेट नहीं मिली अभी। सर डॉक्टर हिमांशु को मैंने फोन किया था सुबह बाद। अगर नहीं मिलती तो प्लीज इसकी सर्जरी एक बार टेस्ट तो कर ले आज पहले। ये शेड के लिए टांग रखा है? हाँ जी सर। एक तो ऐसे कपड़े अलग ही रखने पड़ते हैं ना, इसलिए ये वाला यूज कर रहे हैं। मैं भी हाथ धो लूंगा। दीपिका लोकल ही है? पहली बार? हाँ पहली बार हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई लोकल आया ना। हाँ एक्चुअली यस। ठीक है, पहले मुझे पता चला था तो मैंने तुरंत अनिरुद्ध से बात की थी फिर। अच्छा हाँ ठीक है कूल। तुम्हें कैसे पता लगा? ये अभिषेक की फ्रेंड है ना, तो अभिषेक ने बताया था कि ये चाह रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग में आना। ओके अभिषेक ग्राफिक। हाँ जी। अच्छा ठीक है कूल। हम अभी मैक्लोडगंज जा रहे थे तो अभी हमें डॉग दिखा है, हमें नहीं पता कि प्यासा है। हाँ पानी पी रहा है वो, डिहाइड्रेटेड है या काफ़ी दिनों से इसने खाना नहीं खाया, पेट इसका बिल्कुल पिचका हुआ है। मैं ज्योति को फ़ोन करने लगा हूँ अभी तो। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ना ख़राब सी लगी, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो मुझे लगता है हम फ्लूइड्स लगा देंगे, खाना वाना दे देंगे तो ये हो जाएगा ठीक। आगे कुछ नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड्स को दे देते हैं। ये मिलिट्री चेक पोस्ट पर हमने इसको बांध दिया, अभी हमारी टीम आके इसको पिक कर लेगी। वो कह रहे हैं रात को मिला था और रात से इसकी हालत ऐसी है, खाने को भी दिया है तो ऐसा नहीं है जो हमें लग रहा था इमेंसिपेटेड है। हमारे अपडेट आप कहते हो ना कि डिले क्यों होते हैं, एक सेकंड, हमारे अपडेट इसलिए डिले होते हैं कि ये बीच बीच में चीज़ें आती रहती है। अभी अमन ये देखो आफ्टर काउ शेड में अभी बुली बुली ने नैनो के साथ लड़ाई कर लिया था और सिंग निकल गया उसका, तो पूरा ब्लीडिंग कर रहा है क्योंकि वो एक गाय हीट में जिसको बाहर छोड़ा हुआ है ना। सेल्फ सफिशिएंसी का अलग ही मतलब हो गया, हम अपने रेस्क्यूज भी खुद ही जनरेट कर लेते हैं, हमें बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो मैं क्या करूँगा, कलेक्टेबल्स के लिए लाया आपके लिए। तो एक कवर है सिर्फ, पेपर फॉर्म म्यूजियम बनाया कवर है सिर्फ, मतलब ये मतलब इसके नीचे तो वो है ना उनका फ्लैश। ओ तेरी यार, इस पे चीटे आएंगे सारे, इसको थोड़ा नहीं अपनी करेगी थोड़ा सा कर, तुम्हें बता के करेगी ना जब ट्रीटमेंट करते तब करती है। ज्योति कैसे हो गए? नहीं जगह का सोच रही हूँ सर, क्योंकि मदर डॉग का हम लोग बैंडेजिंग कर रहे हैं ना, तो ताकि पपीज को उनके साथ रख सके। कल तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसको मेलोनेक्स का इंजेक्शन लगा हुआ था कल। अभी भी एग्रेसिव ही है? हाँ, वो केज में हाथ नहीं डालने लगा, उसने पूरे जो भी ब्लैंकेट डाले थे उसके चीरे चीरे कर दिए पूरे, पानी नहीं रखने दे रही। चीरे चीरे हाँ। बस दिक्कत वही हो रही थी ना कि हमारे पास कैनल तो खाली था नहीं। मुंह को अडॉप्टेबल शिफ्ट नहीं कर सकते सर, मुंह का बस टेंशन रहता है कि वो ना उछल कूद में दौड़ा भागी में ऐसे इंजरी ना करे। और वो जो एक डिसेबल्ड डॉग अडॉप्ट करना चाह रहे थे जिनको हमने कहा था मुंह को पता नहीं, मतलब वही है ना, भी नहीं बोलते ना लोग, रिप्लाई तो करे, हम फॉलो अप ले रहे हैं हमसे बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब हिम्मत मत करो। ओके कोई नहीं, होगा होगा, जैसे मुझे आप मिले ऐसे हमें और लोग मिले। आपके पास डॉग है घर पे, अच्छा लगता है आपको? हाँ। आप एक और ले लो और अच्छा लगेगा। दो है ऑलरेडी, अंदर और साथ बाहर है। आसपास वालों से पूछना? हाँ मैंने पूछा है, वो जो एक्चुअली जो पपीज आए ना। हाँ। मैंने बोला तो है, अभी उन्होंने बोला मैं बताऊंगी, थोड़े दिन टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो पपीज तो मिठाइयों चले जाएंगे पता है, लेकिन अभी फॉर सम डेज तो यहीं रहना हमें। अब मुझे बताओ वो जो है तुम्हारा जिसको मैंने मैक्लोड से कहा था, उसका क्या सीन सर? एक तो उसको ट्यूमर है, ट्यूमर की वजह से सर बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें है ना, वीकनेस है, प्लेटलेट्स बड़े डाउन है। केज में है, कैनल में? केज में। केज में? कैनल में नहीं कर रहे सर, मना कर रहे हैं अभी अडॉप्टेबल्स में करने, क्योंकि हमें इन्फेक्शन का नहीं पता, मतलब अभी थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन पे रखना है। कहां उसका केज? तो बाहर होना चाहिए ना उसका। हां मम्मी सोच रही हूं कहां है। अरे मेरा डॉग गुम गया है। व्हाइट वाला डॉग था जो बड़ा वाला, इसीलिए ना हमें हमेशा हम जितने एनिमल्स हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ले लेते हैं, फिर केज में करो। क्यों नहीं रखा उसको? धूप में शिफ्ट नहीं करना उसको यार, करो धूप में, करो धूप में, करो कराओ मेरे साथ। आप ही कहाँ गए? नवीन? ओ
ठीक है तो अच्छा तो इसका अब ये नहीं पता कि इसका जो थैंक यू यार कि इसका पार्शियल जो पैरालिसिस है वो ट्यूमर की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से। अच्छा और एक हमारा जगह का क्राइसिस इसलिए क्योंकि वो जो क्रीटॉन स्ट्रीट वाला डॉग था जो जो पकड़ लिया है हमने उसको हम ले आए उसको कहाँ रखा है थर्ड कैनल में थोड़ा बड़ा सा है नाराज रहता है। हेलो हेलो ओ वो रहा इसका ट्यूमर ना और वो भी ये तीन डोज के बाद है सर तब भी बड़ा है अभी। हाँ, हाँ। तो फिर आज रेस्क्यूज तो आई होप कि कोई नहीं है जगह ही नहीं कोई भी नहीं हम जगह भी नहीं है ठीक है। स्वीटी का भी रिलीज करवा लिया ना कल स्वीटी हो गई कल रिलीज तो आप दुखी क्यों लग रहे हो इतना नहीं मैं बता रही थी आपको क्योंकि वो हमारे को वो था कि है अडॉप्ट हो जा रही है जो इन्फेक्शंस का है इस वजह से करना पड़ा तो अगर लेकिन हम उसकी अडॉप्शन पोस्ट तो डालेंगे हाँ, वो मिल जाएगी ना। हाँ, हाँ, आज से एक पर्सन आने वाला है बॉस के लिए फर्स्ट ट्रायल 7 डेज अभी वो वॉक कराने आएंगे। लेट्स सी हाय वेदु बोशू इधर आ बॉस बोशी देखने में बड़े डरावने से लगते हैं देखने गए मैं तो मेरा बोशी बोशी बिस्किट बहुत खाता है बस बस। आर्यन आए हैं रैत से ही और वो बॉस को अडॉप्ट करना चाह रहे थे क्योंकि बहुत नज़दीकी एरिया से हैं। हमने इनको यही ऑफर किया कि आप एटलीस्ट फॉर 7 डेज इसको रेगुलर वॉक कराने के लिए आइए क्योंकि थोड़ा डर भी रहे थे इसके साथ कंफर्टेबल हो जाइए डॉग भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद फिर आप इसको घर पे शिफ्ट करिए 10 दिन का घर पे ट्रायल करिए कि हाँ घर पे कंफर्टेबली रह रहा है कि नहीं। बस 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 कुछ नहीं बत्तर खाने को कुछ नहीं डर रहे हो ना आपका बॉडी लैंग्वेज उसको कन्विंस कर रहा है ये चीज करने को चलो चलो ए बस बस डरो मत कुछ नहीं होगा देख रहा मेरे खाने में कुछ नहीं आ रहा मेरा है मेरा एक चीज है अग्रेसिव नहीं है बट पावरफुल है तो आप इसके नीचे सामने एकदम से नीचे बैठोगे ना तो ये चढ़ के प्यार बस बस तब चोट लग सकती है ना तो ये थोड़ा खुद को ध्यान रखना है इन चीजों का कि है तो पावरफुल डॉग ही ना एट दी एंड। ग्रास ऊपर का मैंने आपको बताया नहीं ग्रास ऊपर नहीं बचाना सही सुबह उसके बहुत हो गई थी कब सुबह अर्ली मॉर्निंग पर मैं तो आपके पास आया था लाइक 10:30 हाँ मुझे याद नहीं था कि मैंने आपको बताया कि नहीं किस उसकी डेथ किस चीज़ से हुई सर उसको काफ़ी 2 दिन से सिम्टम्स आ ही रहे थे ना काफ़ी ज़्यादा कॉफिंग था उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा था जो हम कह रहे थे कि कैनल कफ ना हो हाँ हो सकता है हमने पोस्टमार्टम नहीं किया क्योंकि ओपन करने से और इन्फेक्शन का ब्रेकआउट यहाँ पॉसिबल था ना। अरे यार उसकी किस्मत ही ख़राब रही है पहले उसका मतलब पहले एक्सीडेंट हुआ ठीक है अलग से बता दो हम एडिट कर देंगे। हाँ कई बातें हैं जो मैंने आप हमेशा कहा कि हम 95% ऑनेस्टी के साथ चलते हैं मतलब बता सकती हूँ मैं एक्चुअली चेतक को हमने शिफ्ट किया ना अभी हाँ वो आ तो जाए सेंचुरी में हाँ। तो उसका इशू अभी वो बहुत घबरा रहा है ना ओपन हाँ। एरिया में अगर हम ट्रीटमेंट करने गए ना तो बहुत ज़्यादा दौड़ा है वहाँ पे जो गड्ढे हैं साइड में वहाँ वो गिर सकता है ना तो उसका कुछ हमें देखना होगा। अच्छा वैसे तो नॉर्मली नहीं भाग रहा ना वो नहीं नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम बताई नहीं किसी ने लेकिन डॉक्टर गुलशन गए थे ट्रीटमेंट करने तब ये इंसिडेंट हुआ ना। दिलवर भैया से डिस्कस करो यार दिलवर भैया मदद करा लेंगे ठीक है सर। आज इसको पता है इसको तो बड़ी चोट लग गई है अच्छा हम कैसे ठीक होंगे अच्छा नहीं ना अच्छा पूरे मुंह में नहीं ऊपर जा रहा है इसके बेचारे का कान का भी चक्कर है प्रेस करे दांत हाँ वही तभी खून तभी आया ए ए मसूरी ले आओ ये तो फालतू का हल्ला डालती है कुछ भी नहीं करते इसको तो भी ये जैसे जैसे बेटर फील कर रही है ना मसूरी ये तब पिछली रात में बहुत भौंके हैं कुत्ते पता नहीं किसी एक ने शुरू किया फिर सब गाना गा रहे थे हाँ बहुत गंदा गाना कॉटन से करो स्प्रे मत करो मुन्नू कैसे ठीक कैसे मुझे बता दे
मैं यार मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप साफ कर लो ना। नहीं भैया, अच्छा नहीं, तो मेरे को गुस्सा करेगा। गुस्सा करेगा, अभी तो बड़ा वो प्यार कर रहा है। हम ट्रीटमेंट के बाद ट्रीट्स वगैरह दे रहे हैं इमीडिएटली। हाँ, जैसे इसको डालूंगी वहाँ पे वो इतना ऐसे कुछ नहीं करते। दरवाजा कैसे खुला है? बंद है, बंद है। कहाँ बंद है? अंदर वाला। नहीं नहीं, दोनों दो दरवाजे इसीलिए लगा रखे हैं कि दोनों बंद चाहिए। दो ये ऑप्शनल थोड़ा कि ये कर दिया आजकल वो कर दिया। चले अपन जो करने आए थे वो तो करें। मुन्नू कहाँ का मुन्नू? ये अब किसे मिलने आए? वो डॉक्टर के लिए ना, तो डर लग रहा था। आपको डर लग रहा था? उसको डर लग रहा था, मेरे को डर लग रहा था। कल अच्छा था, मतलब कल ठीक रहा। कल अच्छे से अच्छा था। कल आपको डर नहीं लगा? हाँ, कल डर नहीं लगा। अच्छा, ये हीट में ना फिजिक्स के चक्कर में सारी लड़ाई हो रखी है। मारती दुनिया से ये पता लग जाएगा। ओ सरगुन कितना बड़ा हो गया यार। कहाँ है बुली? बोला मैं ना, बुली अंदर ही है, फिर बांध रखा है उसको। ओ तो वो अच्छा मिलते हैं बाद में। बुली को आगे तो नहीं कर लिया उन्होंने शिफ्ट? वहाँ तो नहीं है, यहीं पे होगा, हमने देखा नहीं। ये देखना कैसे लाइन में खड़े हैं ऑडियंस। ये खड़े हैं महाराज कोने में, तभी नजर नहीं आया इंजर्ड सा ना। मेरे को तो उसकी हेल्थ भी डाउन लग रही है, वैसे तो ज़्यादा अच्छा हट्टा कट्टा है। ओ ज़्यादा चोट लग गई इसको। ये तो पेट वेट भी नहीं करने देगा, इसका तो वैसे ही टीनेजर वाला मूड रहता है। चलो, हमारे यहाँ ये काफ नंबर 2 था, पहले आया था सबसे नैनो, जो उसकी मदर आ रखी थी ज्वाला। तो अभी जो भी गाय ज़्यादा देर रहती है वो बच्चा दे ही देती है, सड़क से सारी प्रेग्नेंट आती हैं। तो तब हम भी प्रैक्टिकल नहीं थे, हमने नया नया शुरू किया था, तो जो बछड़ा पैदा हो रहा था हम रख रहे थे, तो ये हमारे इतने सारे इकट्ठे हो गए। ये ज़्यादा डैमेज हुआ है। वैसे तो यही है कि छोटी मोटी इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, कोई फीमेल हीट में आती है, एकांत को जैसे नीचे चोट लग गई थी। जानवर इसी के लिए लड़ते हैं, भाई टेरिटरी हो गई, सड़क पर लड़ रहे हैं बैल, या भाई मेटिंग के लिए लड़ रहे हैं, भाई यहाँ पर फीमेल हीट में आई है तो ये लड़ रहे हैं। इंसान ने इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया, इंसान पैसे के लिए भी लड़ता है, क्योंकि इंसान की जेब भी लगी है। तो तभी तो हमारा वही है, जो भी कभी कोई क्राइम होता है तो पुलिस वाले 3 चीज़ें देखते हैं, भाई क्या रीज़न था, जर जोरू जमीन।